we can say basic radical. Negative ion we can say it is anion or we can say acid radical. ठीक है. सो अपने को जब भी पॉजिटिव अपने को सॉल्ट का एनालाइज करना है कि विच सॉल्ट इज गिवन. ठीक है, लेबल नहीं किया हुआ है. वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच सॉल्ट इज गिवन हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज विच पॉजिटिव आयन इज देयर एंड विच नेगेटिव आयन इज देयर. ठीक है. सो फॉर कैटायन टू टाइप्स ऑफ टेस्ट आर देयर एंड फॉर एनायन ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ टेस्ट. ठीक है, प्राइमरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट. फॉर एनायन ऑल्सो प्राइमरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट. प्राइमरी टेस्ट जो है हमारे कैटायन के पॉजिटिव आयन के, तो उसमें हम सबसे पहले स्मेल, उसका स्मेल देखेंगे. विनेगर लाइक स्मेल है तो उसमें स्मेल में हमको एनायन की रिजेक्ट थोड़ा बहुत हो जाता है. जैसे विनेगर वाला स्मेल हुआ तो एसिटेट आयन होगा. ठीक है, और अगर अमोनिकल स्मेल हुआ तो NH4+ होगा. ठीक है, तो हम स्मेल से भी थोड़ा बहुत अपने उसको एज्यूम कर सकते हैं कि कौन सा कैटायन या एनायन. सेकेंड है इसका ड्राई हीटिंग. थर्ड है इसका फ्लेम टेस्ट. ठीक है, सो हम इसके प्राइमरी टेस्ट में स्मेल, ड्राई हीटिंग, फ्लेम टेस्ट और लास्ट में ग्रुप टेस्ट करें. ठीक है, और इससे हम मे बी प्रेजेंट है ना, दिस कैटायन मे बी प्रेजेंट, दिस कैटायन मे बी प्रेजेंट, मे बी करने के बाद मतलब हमने अज्यूम किया, प्रिडिक्ट किया है. ठीक है, फिर हम उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे. समझ आ गया बच्चों तुमको. अब उसके बाद में अपने कंफर्मेटरी टेस्ट की, सपोज स्मेल से हमको अमोनिया स्मेल लग रहा था तो कंफर्मेटरी टेस्ट अपने अमोनिया का कर देते है ना, अमोनिया का NH4+ का कर सकते हैं. ठीक है, और वैसे भी ग्रुप टेस्ट में भी हमको अमोनिया का पता चली जाए. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव आयन डिटेक्शन का. ठीक है, कि पॉजिटिव आयन के हमारे प्राइमरी टेस्ट होते हैं, उसके बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट होगा. अब हम आ जाते हैं एनायन के टेस्ट. तो एनायन के टेस्ट में भी प्राइमरी टेस्ट और कंफर्मेटरी. प्राइमरी मतलब अज्यूम करते हैं क्लोराइड में भी प्रेजेंट, कार्बोनेट में भी प्रेजेंट, ब्रोमाइड में भी प्रेजेंट. फिर में भी प्रेजेंट को यहाँ हमको उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना होता है, जिसको हम करके देखेंगे तो क्लोराइड इज कंफर्म, ब्रोमाइड इज कंफर्म. तो जो हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट है वो तो कोई हमको कोई टेंशन ही नहीं है, मे बी प्रेजेंट बता रहा तो करके देखेंगे तो कंफर्म आ ही जाएगा. ठीक है, मेन जो हमारी सारी मेहनत लगती है वो प्राइमरी टेस्ट में ही लगती है. ठीक है, तो जैसे हमने इसके प्राइमरी टेस्ट में ये किए थे, वैसे इसके प्राइमरी टेस्ट में हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट एंड देन इंडिपेंडेंट रेडिकल. इंडिपेंडेंट रेडिकल होते हैं सल्फेट एंड फॉस्फेट. ठीक है, तो हमारे अगर डाइल्यूट का कॉन्सेंट्रेटेड वाले टेस्ट नहीं दे रहा है वो, तो वहाँ क्या प्रेजेंट होगा, सल्फेट और फॉस्फेट, तो उनके हमको डायरेक्ट कंफर्मेटरी करते हैं. ठीक है, अब हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट मेथड, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है अपने को, उसके अंदर कंपाउंड लेना है 1 ग्राम मतलब 1 इंच के जितना, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है. ओके, अगर उसमें हमारे एफरवेसेंस निकलते CO2 के, जैसा हमने उस टेस्ट में फंक्शनल ग्रुप में अपने किया था सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, तो हमारा कार्बोनेट होगा, नेगेटिव आयन कौन सा होगा, कार्बोनेट होगा. ठीक है, रॉटन एग, गंदी वाली स्मेल आती है, जैसे अपने ट्रैवल करते हैं तो बाई रोड जाते हैं तो कहीं पे कोई एनिमल की बॉडी डिकम्पोज होती है तो उसका स्मेल आता है ना, तो वो होगा, तो सल्फाइड होगा. कौन सा होगा, H2-. ठीक है, बर्निंग सल्फर जैसा मीन्स पटाखे जैसी स्मेल आती है तो उसमें हमारा सल्फाइड होगा. ठीक है, फिर लास्ट था हमारा इसका, एक इसमें ये भी है कि एसिडिक एसिड जैसी, विनेगर जैसी स्मेल आती है तो एसिडेट होगा. तो एसिडेट हमारा डाइल्यूट में भी देता है, कॉन्सेंट्रेटेड में भी देता है. तो ये हमारे हुए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट. अब सपोज ना तो हमको बर्निंग सल्फर जैसा स्मेल आया, ना हमको रॉटन एग जैसा स्मेल आया, कुछ भी स्मेल इस तरह के पर्टिकुलर टेस्ट नहीं आए, तो मतलब हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले जो कंपाउंड, जो हमारे एनायन है वो एब्सेंट, जो हमारा कार्बोनेट एब्सेंट, सल्फाइड एब्सेंट, सल्फाइड एब्सेंट. ठीक है, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड. ये वाला प्राइमरी नहीं दिया उसने कंपाउंड ने, तो कॉन्सेंट्रेटेड. अगेन ड्राई टेस्ट ट्यूब 1 ग्राम सॉलिड कंपाउंड एंड देन वी विल ऐड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, कलरलेस गैस आया, पंजेंट स्मेल, तो क्लोराइड. ठीक है, अगर उसमें वायलेट पेपर निकले तो आयोडाइड. ठीक है, ब्राउन पेपर निकले तो ब्रोमाइड. ठीक है, और अगर विनेगर लाइक स्मेल आए तो एसिटेट. ये हमको यहाँ पता चल जाएगा, सपोज विनेगर लाइक स्मेल आया हमको तो बस उसका एसिटेट का कंफर्मेटरी टेस्ट कर देंगे. अगर हमारा कलरलेस पंजेंट स्मेल आया तो क्लोराइड होगा, तो उसका क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट कर देंगे. फिर जो तुम्हारी बुक में हमारा ये पेज दिया हुआ है, ये देखो ये वाला पेज, ये बहुत यूजफुल है तुम्हारे लिए. इसमें यहाँ पे हमारे एनायन के और यहाँ पे हमारे कैटायन के सारे टेस्ट दिए हुए, और यहाँ पे तुम्हारे कंफर्मेटरी टेस्ट भी सारे लिखे हुए हैं. ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, और ये हमारे फ्री रेडिकल है ना, फ्री जो इंडिपेंडेंट रेडिकल है, सल्फेट और फॉस्फेट के टेस्ट सारे इसमें लिखे हुए हैं. और इधर हमारे कैटायन के टेस्ट है जिसका ग्रुप फर्स्ट
ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ और ग्रुप सिक्स के टेस्ट भी इसमें कंफर्म है सारे लिखे। तो पूरी पूरी बुक को छान मारने की जरूरत नहीं है, दिस ओनली पेज विल बी सफिशियंट फॉर यू। ठीक है, सो मेथड इज इंपॉर्टेंट। ओके, टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज द साइज, द मेथड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब तुमको समझ आ जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।